हेलो, इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ट्रैकिंग ग्रुप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रैक चेंजेस ये क्या होता है। ट्रैक चेंजेस, यदि हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे यूज़र के साथ शेयर करते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि दूसरे यूज़र ने कोई एडिटिंग या चेंज तो नहीं कर दी है, तो इसके लिए हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सेव करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सेव कर दिया ट्रैक नाम से और यहाँ पे सेव किया। ये इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में किसी ने चेंज तो नहीं की। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे चेंजिंग करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे किसी ने कोई चेंजिंग तो नहीं की, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रैक चेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद ये हमारे पास ट्रैक चेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे लिखेंगे जैसे बायस ज्ञान टेक, यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसके बीच में फिर ये हम क्या करेंगे, ये देखो ट्रैक चेंज यहाँ पे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक्टिवेट है। ये जो है वर्टिकल लाइन, ये हमारे सामने आ जाएगी। और ये जो हमने चेंजिंग की यहाँ पे देखो, ये जो है इसके नीचे रेड अंडरलाइन आ गई जहाँ पे हमने इंसर्ट किया, कुछ भी इंसर्ट किया। अब यहाँ से हम कुछ डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये बेस्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिलीट किया, यहाँ पे डिलीट पे प्रेस किया। तो डिलीट पे प्रेस करने के बाद ये देखो जो डिलीट होगा वो यहाँ से कट हो जाएगा, वो वर्ड बीच से कट हो जाएगा, ये देखो। तो इसका मतलब ये क्या किया, वो हमने डिलीट, और जिस के नीचे रेड अंडरलाइन आएगी उसमें हमें पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने इंसर्ट किया हुआ कुछ। तो ये सेकंड, ये देखो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ गई है। तो अब और हम यहाँ पे एडिट, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट करना है कुछ, ये फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पूरा है इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसका यहाँ पे हम साइज़ बढ़ाते हैं। ये जैसे यहाँ पे इसका साइज़ हमने यहाँ पे बढ़ाया, ये बढ़ गया ये साइज़। इसके बाद क्या है, ये हम ये नीचे जैसे ये फॉर एग्जांपल है, इसको भी हमने यहाँ से बोल्ड किया, ये बोल्ड हो गया। अब क्या करना चाहते हैं, ये जैसे ये हमारे पास लाइन है, ये इस लाइन को हमने कलर में कर दिया, ये हमारे पास कलर है, ये किसी कलर में कर दिया, ये कर दिया। ये करने के बाद अगर हम और भी करना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे कमेंट ये भी लगाना है हमने, तो ये क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और रिव्यू टैब पे गए, यहाँ पे इसको न्यू कमेंट, यहाँ पे कमेंट जैसे एमएस को कमेंट दे दिया ये। जैसे ये हमने यहाँ पे इसके लिए कमेंट लगा दिए, ये एमएस के लिए ये कमेंट आ गया ये। अब इसको भी कमेंट लगाना है ये, तो यहाँ पे जाएंगे कमेंट ग्रुप पे, न्यू कमेंट पे जाएंगे, इसको भी यहाँ पे एस यू पी, तो ये एस यू पी ई आर सुपर स्क्रिप्ट ये लिख दिया इसके लिए कमेंट, ये दे दिया। तो ये हमने यहाँ पे क्या कि कमेंट भी लगा दिए। तो जहाँ जहाँ पे हमने ये इंसल्टेशन की या यहाँ पे डिलीट किया कुछ या यहाँ पे फॉर्मेटिंग की या यहाँ पे कमेंट लगाए, तो ये देखो हमारे सामने ये जो साइड में आता है इसको बोला जाता है बलून। तो ये बता रहा है कि क्या क्या कहाँ पे किया हुआ ये।
यहाँ पे ये हमने कर दी तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमने क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है। ये है हमारी सेकंड कमांड है, जहाँ जैसे ये देखो आर मार्कअप, आर मार्कअप ये यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये अगर हम यहाँ पे आर मार्कअप यहाँ से और ऑप्शन लेने जाते हैं, जैसे ये देखो सिंपल मार्कअप यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो है ये जैसे इंसर्ट किया, डिलीट किया, फॉर्मेट जो भी किया हुआ है ये चला जाएगा। तो ये हमारा सिंपल मार्कअप यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ से हट जाएगा। ये अगर यहाँ पे नो मार्कअप यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो कोई भी मार्कअप यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये शो नहीं होगा। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो है जैसे था वैसे ही रहे, तो हम क्या करेंगे, अगले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे ये डॉक्यूमेंट था वैसे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम क्या करेंगे, ये आल मार्कअप कि जितने भी हमने जहाँ जहाँ पे मार्कअप लगाए थे ये सभी आ जाएँ, तो यहाँ पे आल मार्कअप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो आल मार्कअप पे क्लिक किया तो ये सभी यहाँ पे मार्कअप जो भी हैं ये सभी आ जाएंगे। अब अगली कमांड हमारे पास शो मार्कअप ये है, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो हमारे पास ये जितना भी ये साइड में ये दिया हुआ है इसको बोला जाता है बलून। तो ये शो मार्कअप यहाँ पे जाएंगे हम, ये देखो क्या क्या हमने किया हुआ है, कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये हमारे कमेंट्स हैं ये। इसके बाद इंसर्टेशन डिलीशन, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी इंसर्ट किया हुआ है, जैसे ये देखो इंसर्ट किया हुआ है, ये डिलीट किया हुआ है। इसके बाद है फॉर्मेटिंग, ये देखो जितनी भी हमने ये क्या किया हुआ है, किसी का साइज बढ़ाया हुआ है, किसी का ये यहाँ पे बोल्ड में किया हुआ है, किसी का ये कलर में किया हुआ है, तो ये क्या है फॉर्मेटिंग, तो ये भी यहाँ पे ओपन है ये। तो इसके बाद है ये जैसे अगला ये हमारे पास बलून्स, तो ये पहले हम क्या करेंगे कमेंट्स को करेंगे। ये क्या है यहाँ पे बलून्स में कमेंट हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं ये। अगर हम ये चाहते हैं कि ये कमेंट्स यहाँ से हट जाएं तो हम क्या करेंगे, शो मार्कअप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये अनचेक कर देंगे, ये देखो यहाँ से कमेंट जो है यहाँ से हट जाएंगे। अब तो अगला ऑप्शन है हमारे पास शो मार्कअप में, ये देखो इंसर्टेशन डिलीशन, तो हमने जो इंसर्ट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है उसको हटाना है यहाँ से। ये देखो जैसे डिलीट किया हुआ है ये बेस्ट, ये यहाँ से हटाना है ये, तो क्या करेंगे इसको अनचेक कर देंगे, ये देखो यहाँ से हट जाएगा ये। अब अगला है हमारे पास शो मार्कअप पे ये फॉर्मेटिंग, तो ये जितनी है ये फॉर्मेटिंग हुई है, ये देखो ये फॉर्मेटिंग हुई है, ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग है, इसको भी हटाना है यहाँ से, तो हम यहाँ अनचेक कर देंगे, ये देखो यहाँ से सभी ये हट जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये वापिस आ जाए तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो मार्कअप, ये कमेंट कमेंट पे चेक किया तो ये कमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखो कमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद इंसर्टेशन डिलीशन यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो जो हमने डिलीट किया हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा ये। इसके बाद आगे है फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार ये कमेंट इंसर्टेशन डिलीशन फॉर्मेटिंग ये हमारे पास यहाँ पे बलून में आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है बलून्स, तो बलून्स में हम क्या करेंगे, ये शो रिविजन्स इन बलून, तो ये शो हो रहे हैं ये हमारे पास ये शो हो रहे हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये बलून्स में आ शो आर रिविजन इन लाइन, तो जब ये सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लेंगे हम तो क्या होगा, ये जो बलून्स यहाँ पे हैं ये सभी यहाँ से हट जाएंगी। ये देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिया हमने शो आल रिवीजन
इन लाइन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से बलून्स हट गए और ये यहाँ पे ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है यहाँ पे रह जाएगी, बाकी यहाँ से बलून्स वगैरह ये चले जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो बलून्स में अगला ऑप्शन है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, कि हमारे यहाँ पे बलून्स में यहाँ पे क्या है, शो ओनली कमेंट्स, कमेंट्स आए और फॉर्मेटिंग इन बलून्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग और बलून्स, ये जो बलून्स में ये फॉर्मेटिंग की हुई है हमने और ये है हमारी कमेंट्स हैं, ये आ जाएंगे। तो शो मार्कअप में अगला जो ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिफिक पीपल है, इसमें ऑल रिव्यूअर ये सभी चाहिए या यूज़र, तो इसमें कौन से चाहिए ये हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारी शो मार्कअप कमांड हुई है। अगला है हमारा रिव्यूइंग पेन, तो रिव्यूइंग पेन पे यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आएंगे, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल, इसका मतलब है कि ये जो हमने फॉर्मेटिंग की ये जो हमारे कमेंट्स वगैरह ये वर्टिकल यहाँ पे आने चाहिए। तो ये देखो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिव्यूइंग पेन वर्टिकल तो ये यहाँ पे सभी आ जाएंगे जो भी हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, कमेंट्स लगाए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा जो भी हमने इंसल्ट किया हुआ, जैसे यूज़र इंसल्टेड यहाँ पे, बायस ज्ञान टैग यहाँ पे इंसल्ट किया हुआ है, ये डिलीट क्या किया हुआ है, ये जैसे बेस्ट यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, ये तो ये फॉर्मेटिंग की हुई है, ये हमने नीचे ये माइक्रोसॉफ्ट ये सुपर स्क्रिप्ट ये यहाँ पे कमेंट लगाए हुए हैं, तो ये यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। अगर रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल करना है ये देखो अगला ऑप्शन है हमारे पास रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल, तो हम हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे ये हॉरिजेंटल आ जाएंगे नीचे, ये देखो ये हॉरिजेंटल यहाँ पे नीचे ये आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये देखो ये किया था हमने यूज़र इंसल्टेड बायस ज्ञान टैग यूज़र डिलीटेड, इसके नीचे ये भी है, ये देखो स्क्रॉल बार हमने किया ये, तो ये हमारा ये जो वर्टिकल है ये ऑप्शन भी हम यहाँ पे रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लेना चाहते हैं, तो ये हमारा जो है जो पेन है ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल इस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये अगर वर्टिकल दोबारा चाहिए तो वर्टिकल क्लिक करेंगे ये वर्टिकल हो जाएगा ये, तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसके बाद है आगे हमारे पास ये अगला ग्रुप चेंजेस ग्रुप, इसमें क्या है जैसे ये नेक्स्ट है, प्रीवियस है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, तो इसको यूज़ करने के लिए जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ये या यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो नेक्स्ट करेंगे ये देखो नेक्स्ट अगले पे चला जाएगा, ये देखो यहाँ से अगला सेलेक्ट हो गया, ये इससे अगले पे जाना है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी यहाँ पे चला जाएगा, इससे आगे जाना है ये देखो आगे जा रहा है, ये इससे अगला सेलेक्ट करना है ये अगला सेलेक्ट हो गया, इससे अगला करना है ये अगला सेलेक्ट हो गया, इससे अगला ये अगला सेलेक्ट हो गया। अगर पीछे आना है तो ये प्रीवियस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो पीछे जा रहा है ये पीछे, इससे पीछे ये कौन सा है ये है, इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये है, तो इस प्रकार हम नेक्स्ट या प्रीवियस यहाँ से कर सकते हैं ये चेंजेस ग्रुप में जाके। अगर दूसरा है जैसे यहाँ पे ये जो हमारे पास कमांड है एक्सेप्ट की, यहाँ पे एक्सेप्ट कमांड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ये है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि ये जो इंसल्टेशन की हुई है ये एक्सेप्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगी और अगले पे चली जाएगी, ये देखो यहाँ से रेड अंडरलाइन ये यहाँ से हट गई और अगले पे यहाँ पे चलेगी, तो इससे आगे ये बेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा जो हमने डिलीट किया हुआ है ये, अगर इसको भी एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट इसको भी करना है तो ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये भी एक्सेप्ट होके सही हो गया, जो हमने डिलीट किया था ये सही हो गया और अगला
यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ये। इसको भी ऐसे करना है, ये एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो ये भी, ये देखो ये भी हो जाएगा ये, और यहाँ से चला जाएगा ये बलून से। इसके बाद एक्सेप्ट पे ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक्सेप्ट दिस चेंज, यहाँ पे क्लिक किया तो इससे क्या होगा, ये अगले पे नहीं जाएगा, यही केवल एक्सेप्ट होगा। ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंज, यहाँ पे ये अगले पे नहीं गया। तो इस ऑप्शन के जरिए हम एक को ही यहाँ से कर सकते हैं ये। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस की हुई हैं सभी एक्सेप्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो क्लिक किया तो ये सभी हो जाएंगी, ये चेंजेस जितनी भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगली कमांड है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगी और स्टॉप ट्रैकिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम इसको अंडू करते हैं, जैसे यहाँ पे ये सारा अंडू किया, ये अंडू करने के बाद अगला है रिजेक्ट। अगर हम इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये फर्स्ट है हमारा, ये इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ये देखो रिजेक्ट कर दिया, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था वो रिजेक्ट हो गया और अगले पे चले गए। अगले पे जाने के बाद इसको भी अगर ये जो हमने डिलीट किया हुआ ये भी क्या करना है, रिजेक्ट करना है यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट मूव टू नेक्स्ट, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा ये देखो यहाँ से चला गया। इसके बाद रिजेक्ट कमांड का अगला ऑप्शन है ये, ये देखो रिजेक्ट चेंजेस। तो ये भी क्या होगा, केवल यही रिजेक्ट होगा, ये आगे नहीं जाएगा, फिर अगला सेलेक्ट नहीं होगा, केवल यही रिजेक्ट होगा। ये देखो रिजेक्ट चेंजेस, यहाँ पे क्लिक किया ये चला गया और अगले पे ये सिलेक्ट नहीं हुआ ये। तो इस प्रकार अगर हम रिजेक्ट ऑल चेंजेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जितना भी है जो हमने यहाँ पे चेंजेस की थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ये देखो रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगी और अगले पे ये देखो जितनी भी हमने यहाँ पे चेंजेस की थी ये सभी रिजेक्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, अगर ये इसको करना है ये, तो यहाँ पे किया तो ये स्टॉप ट्रैकिंग हो जाएगी रिजेक्ट होने के बाद। तो इस प्रकार हम जो यहाँ पे चेंजिंग की थी उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये ट्रैक चेंजेस में जो अगला ऑप्शन है ये लॉक ट्रैकिंग, यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे 123 यहाँ पे कुछ भी हमने लिखा ये, जैसे इसके बाद रिंट कन्फर्म करना है ये, दोबारा से फिर से लिखा और इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये डॉक्यूमेंट ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने पासवर्ड लगा दिया। अगर इसको हटाना है तो हटाने के लिए फिर हम यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में लॉक ट्रैकिंग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड हमें जो हमने भरा हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जैसे 123 ये, इसके बाद ओके पे क्लिक किया तो ये देखो ये पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में पासवर्ड भी लगा सकते हैं ये। तो इस वीडियो में हमने ट्रैकिंग ग्रुप की कमांड्स और चेंजेस ग्रुप की कमांड्स के बारे में जाना। अगर आपको MS वर्ल्ड की पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।